Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Environmental Science. Today we are going to discuss about the new topic of Unit 6, that is a wasteland reclamation. And this is the lecture 59. To start with the reference pass, today PPT has been made from these following two books. Now start with the topic of wasteland reclamation. Before starting the topic, I would like to introduce with a case study which is based on the TV Uttar Pradesh. Nagchand village in Tiri district of Uttar Pradesh. Tiri district is basically comes under the Uttarakhand. Now it's come under Uttarakhand, but previously it's come under the Uttar Pradesh because previously Uttarakhand was a part of Uttar Pradesh. Was once again eroded and deforested land. So ek Nagchand village hai Tiri डिस्ट्रिक्ट में, ये बेसिकली बहुत ही खराब हो चुका लैंड था और वहां डिफॉरेस्टेशन लैंड था, मींस मैक्सिमम जो लैंड था सॉइल था अनप्रोडक्टिव थे, सॉइल बहुत ज्यादा खराब डिग्रेडेड क्वालिटी की थी. एंड व्हेन द सोबन सिंह भंडारी रिटर्न टू हिज विलेज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम एंड आफ्टर अ रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी 1987, अ पर्सन नेम इज सोबन सिंह भंडारी. He was stuck with this degradation of the soil, and after 6 months he became the pradhan of that village and decided to implement the various village development schemes differently in order to improve the soil condition. यहाँ पर soil की condition बहुत ही खराब हो चुकी थी, degraded थी, deforestation हो चुका था land का. तो सुबन सिंह ने after retirement of army 1987 के बाद वो प्रधान बना 6 month के बाद, और उसने अपने वहाँ के गाँव के लिए village development schemes को follow किया as a प्रधान. Through the जवाहर रोजगार योजना he gained immense community support. And in 1990, Forest Development Department selected a 30-hectare barren piece of the community land for the micro shed development program. तो वहाँ पर Forest Development Department ने 30 हेक्टेयर करीब जिस सूखा लैंड था उसको यूज किया माइक्रो वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए. एंड द विलेजर ने कंट्रोल ग्रेजिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया. माइक्रो वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम उस पर्टिकुलर 30 किलोमीटर बैरन लैंड में भूमि में स्टार्ट किया. उस प्रोग्राम से वजह से क्या हुआ, वहां की मैक्सिमम लोगों ने जो ग्रेजिंग होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को एनिमल्स की ग्रेजिंग से बचाया. एंड अंडर टुक द प्लांटेशन फॉर द फ्यूल एंड फोडर. तो वहां प्लांटेशन स्टार्ट की उस एरिया में, वहां में वाटर शेड का डेवलपमेंट प्रोग्राम मीन्स वाटर अवेलेबल कराया गया, वाटर शेड बनाए गए वहां पर. और वाटर शेड से क्या होता है, फ्रेश वाटर क्रिएट हो जाता है. तो वाटर शेड बनाया जब गया तो विलेज ने वहां पर उस एरिया को, उस बैरन एरिया को डेवलप किया. एंड द भंडारी हेल्प द विलेज रेज मनी बाय सेलिंग द फोडर फ्रॉम द एरिया टू अ नेबरिंग विलेज. तो वहां से उन्होंने चारा जो एनिमल्स का होता है उस पर्टिकुलर हेक्टेयर से प्रोड्यूस किया और उसको आसपास के लोगों को गांवों में बेचा. उससे मैक्सिमम लोगों को अर्निंग मिली एंड मनी वाज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ द विलेज. एंड दिस कम्युनिटी एफर्ट हैज हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इकोलॉजी ऑफ दैट एरिया. तो वहां के जो भी पैसा मनी आया उस मनी को डेवलपमेंट मेंटेनेंस वर्क के लिए लगाया गया. एंड द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ दैट एरिया इंक्रीज, मॉइस्चरिटी इंक्रीज हुई, सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, एज वेल एज अर्निंग स्टार्ट हुई वहां की विलेजर की. एंड द वाटर सोर्स ऑफ द विलेज वर रिचार्ज ड्यू, एंड जितना भी डी इरोडेड और सूखा इलाका था उसे दोबारा से नरिश किया गया. एंड द लोकल पीपल नाउ हैव एसेस टू ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज दे नीड फॉर देयर डेली लाइफ. तो हियर यू कैन से अ चेंज ऑफ सॉइल और चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज फ्रॉम अ बैरन लैंड टू अ फ्लरिश और ब्यूटिफुल लैंड. कैसे हुआ ये, एक सोभन सिंह भंडारी के अपने कंट्रीब्यूशन से हुआ. उन्होंने वहां के विलेज में काफी काम किया. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो वेस्टलैंड लैंड था, जो वेस्ट हो चुका था लैंड, जो बैरन था, जो सूखा हुआ लैंड था, जो जिसमें डिफॉरेस्टेशन हो चुका था, इरोडेड था, डिग्रेडेड था लैंड, सॉइल जो लेडर खराब हो चुकी थी उसको दोबारा से फ्लरिश किया गया, उस सॉइल को दोबारा से रिक्लेम किया गया, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया गया. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल बाय टेकिंग वेरियस स्टेप.
तो यहां से आपको पता चला, आपको अब समझ में आया होगा कि वेस्टलैंड रिक्लेमेशन क्या हुआ। वेस्टलैंड रिक्लेमेशन मीन्स क्या हुआ, जब भी हम वेस्टलैंड जो होता है, वेस्टलैंड में जो लैंड वेस्ट हो चुका है, मीन्स रिकवरी ऑफ डिग्रेडेड लैंड, जब भी हम रिकवरी करते हैं डिग्रेडेड या खराब लैंड को रिकवर करते हैं थ्रू अ मैनिपुलेशन ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम, अलग अलग मैनिपुलेटिव स्टेप से इंसान अब स्टेप लेकर इसको बोलते हैं रिक्लेमेशन करना, दोबारा से वेस्ट लैंड को प्रोडक्टिव बनाना। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, जब भी किसी भी लैंड या सॉइल की फिजिकल केमिकल प्रोसेस जो अनफिट हो जाती है फॉर एग्रीकल्चर कमर्शियल रेजिडेशन पर्पज, मीन्स पर्टिकुलर लैंड इज नॉट यूजफुल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, दैट लैंड इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मीन्स लैंड खराब हो गई है, और ऐसे लैंड को डिग्रेड लैंड बोलते हैं। ऐसे लैंड को क्या हम वापस ला सकते हैं, कैन वी रिक्लेम और रिजुविनेट, क्या हम ऐसे डिग्रेडेड लैंड को दोबारा से अलाइव कर सकते हैं, कैन वी टेक बैक और रीबैक इट्स प्रोडक्टिविटी, क्या हम वेस्ट लैंड जो वेस्ट हो चुका है लैंड, जिसकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है, जिसकी जो अनप्रोडक्टिव हो चुका है, जो बैरन हो चुका है, जो सूखा हो चुका है, क्या हम उस वेस्ट लैंड को रिक्लेम कर सकते हैं, रिविजिनेट कर सकते हैं, उसकी दोबारा से प्रॉपर्टी वापस ला सकते हैं। यस, टू दिस आंसर क्वेश्चन वाज बेसिकली इस अराइज दैट कैन वी रिक्लेम और रिजुनेट सच वेस्ट लैंड लैंड। यस, वी हैव अ सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च एरिया एट जोधपुर कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ द लैंड। तो लैंड को कंजर्व करना, बचाना, ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर इंक्रीज इन ह्यूमन एक्टिविटी हैज लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ द हैबिटेट इंक्लूडिंग द कल्टिवेटेड लैंड फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स। तो इंसानी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इंसानी पॉपुलेशन के कारण लैंड का, सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, और मैनी पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। एंड अबाउट 50% ऑफ द लैंड थ्रू आउट द प्लानट इज एरिड, सूखा हो चुका है, विद द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी एंड सेलेनिटी। मोस्टली जो लैंड है वो एसिडिक और सेलेनिटी हो गया है। एसिडिक सेलेनिटी का मीन्स क्या, वो अनप्रोडक्टिव हो गया है, सॉइल की जो एसिडिटी और सेलेनिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, इट मीन्स कोई भी चीज़ हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते सैंड में। एंड रीस्टोरेशन ऑफ दिस एरिया इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द डेवलप एज वेल एज द डेवलपिंग कंट्री। तो किसी भी डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लैंड को, ऐसे वेस्ट जो अनप्रोडक्टिव लैंड है, उसको दोबारा से रीस्टोर करना, री अलाइव करना। हाउएवर इन दिस साइड मैथड आर रिलेटिवली इन एफिशियंट विद द एडवेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल एंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ रिकवरी ऑफ डिग्रेडेड लैंड हैव अराइजन थ्रू द मैनिपुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोलॉजिकल सिस्टम मैनिपुलेटिव स्टेट और ह्यूमन एफर्ट से हम वी कैन रिक्लेम द वेस्ट लैंड, लैंड जो लैंड वेस्ट हो चुका है, जो उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया, वी कैन रिक्लेम और री सर्वाइव और री अलाइव द दैट लैंड। तो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय द वेस्ट लैंड, लैंड विच डज नॉट गिव हैव अ इनफ इकोनॉमिक रिटर्न, जिसकी इकोनॉमिक पावर खत्म हो चुकी है, इट मीन्स इट डजेंट हैव एनी इकोनॉमिक अर्निंग प्रॉपर्टी, मीन्स अनप्रोडक्टिव है, यूजलेस है। जो लैंड यूजलेस हो चुका होता है, अनप्रोडक्टिव हो चुका है, या हम कह सकते हैं इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव लैंड सफरिंग फ्रॉम इन्वायरमेंटल डिटोरेशन और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आर नोन एज वेस्ट लैंड। तो वेस्ट लैंड क्या होता है, वेस्ट लैंड का मतलब जब भी आप यू वन एवर यू हर्ड सम वर्ड वेस्ट लैंड, वैंड क्या, जो लैंड है और सॉइल है वेस्ट हो चुकी है। वेस्ट क्यों हो चुकी है, ड्यू टू द कल्चरली वेस्ट लैंड और नॉन कल्चरली वेस्ट लैंड। कल्चरली वेस्ट मीन्स कल्चरली मीन्स नॉर्मली, और नॉन कल्चरली इट मीन्स ये बेसिकली अनस्टेबल एंड प्रोडक्टिव लैंड और लैंड विच नियरली कम्प्लीटली लॉस इट्स सॉफ्ट। जो भी लैंड इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होता है, मीन्स उसमें कोई प्रोडक्शन या कोई भी चीज़ ग्रो करने की पावर नहीं रहती, ऐसे लैंड को हम वेस्ट लैंड वेलैंड बोलते हैं। या किसी जिस लैंड या सॉइल की टॉप सॉइल जो होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, वो रिमूव हो चुकी होती है, ऐसे लैंड को हम वेस्ट लैंड कह सकते हैं। तो यहाँ दो डेफिनेशन अराइज होती है वेस्ट लैंड की, द लैंड विच इज़ बेसिकली अनप्रोडक्टिव और अनस्टेबल इकोनॉमिकली, एंड लैंड विच लॉस इट्स टॉप सॉइल।
दिस इज बेसिकली वेस्ट लैंड. द लैंड हैज अ डेवलप टॉक्सिसिटी इन द जोन ऑफ रूट फॉर द ग्रोथ ऑफ द मोस्ट प्लांट. तो डेवलप टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है, कोई भी रूट ग्रोथ नहीं हो पाती प्लांट में ड्यू टू द सॉइल डिग्रेडेशन. इसी वजह से ऐसे लैंड को क्या बोलेंगे, वेस्ट लैंड. लैंड क्या हो चुका है, वेस्ट हो चुका है. एंड लैंड रिक्लेमेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अनकल्टिवेटेड लैंड फिट फॉर द कल्टिवेशन. तो एक लैंड क्लेम रिक्लेमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम अनकल्टिवेटेड लैंड, जो लैंड अनप्रोडक्टिव हो चुका है, वी मेक इट फिट फॉर द कल्टिवेशन विच देन सेट टू हैव बीन रिक्लेम्ड. तो जिस लैंड को हम कल्टिवेटेड कर देते हैं अनकल्टिवेटेड से, ऐसे लैंड को रिक्लेम्ड लैंड बोलेंगे. एंड जनरली इट कैरी आउट आइदर बाय द टेम्पररी और द प्राइमरी कंट्रोल, परमानेंट कंट्रोल. तो दो तरह के कंट्रोलिंग मेजर से हम अनप्रोडक्टिव लैंड को प्रोडक्टिव बना सकते हैं. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रिक्लेम प्रोसेस. दैट इज अ वेस्ट लैंड रिक्लेमिनेशन एंड इट कैन बी डन थ्रू टेम्पररी एंड परमानेंट कंट्रोल. तो टेम्पररी कंट्रोल मेजर टू मेक द सॉइल कल्टिवेटेड इज बेसिकली प्लफिंग ऑफ सॉइल सरफेस क्रस डीपली इन टू द सॉइल. तो खोद कर, मिट्टी को खोद कर अपन सॉइल को नीचे करके और डीपली क्रस्ट, डीपली हम डिगिंग आउट फर्टाइल सॉइल जितनी भी है उसे निकाल के, और जो टॉप सॉइल है ऊपर की, जो सॉल्टी सॉइल है, जो अनप्रोटेक्टिव सॉइल है उसको रिमूव करके, जो एसिडिक सॉइल है उसे हटा के हम टेम्पररी वेज पे हम वी कैन मेक द सॉइल प्रोडक्टिव, रिमूविंग द सर्फेस एक्यूमुलेशन फ्रॉम द सॉइल. तो सर्फेस एरिया से जो भी एक्यूमुलेशन पॉल्यूशन है उसको रिमूव करके हम सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ सर्टेन सॉल्ट बाय यूजिंग द अदर सॉल्ट एंड एसिड. तो हम केमिकल रिएक्शन या कुछ एसिडिक चीज डाल के सॉइल की सॉल्टी नेचर को हम डिक्रीज कर सकते हैं एंड वी कैन मेक इट एज कल्टिवेबल. ये टेम्पररी मेथड है. बट वी हैव परमानेंट कंट्रोलिंग मेजर टू मेक द लैंड यूजेबल बाय एडिक्वेट लोअरिंग ऑफ द वाटर लेवल. तो हम वाटर लेवल को एडिक्वेट लेबरिंग कंट्रोल करके हम कर सकते हैं, सेटिस्फैक्ट्री वाटर इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं. एडिक्वेट लोअरिंग ऑफ द वाटर लेवल मीन्स एक लेवल तक ही वाटर लेवल को कम होना कंट्रोल करना. वाटर लेवल कम नहीं होना चाहिए तो वाटर लेवल को मेंटेन करना, वाटर का इन्फिल्ट्रेशन, वाटर री सॉइल के अंदर डीपली जा सके, लीचिंग एक्सेस ऑफ सॉइल आउट ऑफ द सॉइल. मीन लीचिंग इज अ प्रोसेस वेयर वी एक्सक्रीट आउट द सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल. तो जब सॉइल से सॉल्ट को निकाला जाता है दैट इज अ लीचिंग प्रोसेस. और इसमें हम सॉइल को प्योर करते हैं सॉल्ट से, तो या उसको हम अलग करते हैं. एंड इंटेलिजेंट मैनेजमेंट ऑफ द सॉइल इज अ बेसिकली कंट्रोलिंग मेजर ऑफ द सॉइल. तो ये एक तरीके हैं जिससे कि हम परमानेंट कंट्रोलिंग कर सकते हैं, कल्टिवेटेड लैंड बना सकते हैं. नाउ द फिजिकल इम्प्रूवमेंट, व्हाट स्टेप वी कैन टेक फॉर एज एन ए फिजिकल इम्प्रूवमेंट, अप्लाइंग इनफ वाटर. वी अप्लाई इनफ वाटर टू द सॉइल देन वी कैन मेक द सॉइल फर्टाइल. अनदर स्टेप इज कीपिंग ड्रेन ओपन एंड इन गुड रिपेयर. ड्रेन ओपन एंड गुड रिपेयर कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग एक्सपोजिस एवोपरेशन से बचा सकते हैं ताकि एरिया जो हो वो सूखा ना पड़े. एरिया में जो एरिया है हमारा, जो पर्टिकुलर सॉइल है वो सूखी ना पड़े, एक्सेसिव एवोपरेशन से बचा सकते हैं सॉइल को. और एज वेल एज सम देयर आर सम बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड ऑल्सो अवेलेबल इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सॉइल फर्टिलिटी और इन ऑर्डर टू मेंटेन द कल्टिवेशन लेवल ऑफ द सॉइल और मेक द प्रोडक्टिव सॉइल. क्या स्टेप है, रिफॉरेस्टेशन. ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को करके थ्रू द माइक्रोप्रोपेंजिया मीन्स आप ज्यादा से प्लांटेशन करके वी कैन ग्रो मोर एंड मोर प्लांट एंड वी कैन इम्प्रूव द सॉइल प्रोडक्टिविटी. सेकेंड इज इम्प्रूविंग सॉइल बाय माइक्रोराइजा. माइक्रोराइजा एक तरह का पर्टिकुलर एक प्लांट है जिसके थ्रू हम इसको और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल थ्रू एंटू फिक्सेशन के थ्रू हम कर सकते हैं, दैट इज अ बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड. नाइट्रोजन से हम उसको सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं. एज वेल डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंस प्लांट थ्रू बायोटेक्नोलॉजिकल मैनिपुलेशन वन ऑफ द अनदर मेजर. वी कैन कंट्रोल द सॉइल फर्टिलिटी और वी कैन इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी. एंड टॉक्सिक साइड रिक्लेमेशन थ्रू द सेलेक्टिव इंजीनियर माइक्रोब्स.
रिकलेमिनेशन प्रोसेस, टॉक्सिसाइड इंजीनियरिंग माइक्रोब्स यूज करके हम सॉइल की फर्टिलिटी को, ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल मैथड है जिसके थ्रू हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. वट द मैथड वी हैव फॉर द रिक्लेमिंग लैंड, अभी हमने जो वो मैथड पढ़े जिससे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज होने के लिए, बट वी हम सॉइल की फर्टिलिटी को वापस कैसे लाए, रिक्लेम कैसे करते, हाउ वी कैन इम्प्रूव द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कैसे करें, क्या स्टेप ले ताकि सॉइल की इम्प्रूव हो सके. कंट्रोल करना इज वन ऑफ द अनदर, इट्स बेसिकली अनदर थिंग, बट वट रिकवरी, हाउ वी कैन रिकवर द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड को रिकवर कैसे करना, दैट इज अ रिक्लेमिंग ऑफ द लैंड मैथड. तो रिक्लेम करने के मैथड्स क्या है, फर्स्टली रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल कैन बी डन थ्रू द अल्कली सॉइल यूजिंग एसेसी अमाउंट ऑफ सोडियम, देयरफॉर हैव अ पुअर फिजिकल कंडीशन. और रिक्लेम दिस सॉइल मस्ट बी चेंज केमिकल एंड इम्प्रूव फिजिकली, द चेंज प्रोसेस इज बेसिकली एक्सचेंजिंग कैल्शियम फ्रॉम द सोडियम एंड दस लीचिंग अवे द एन ए सॉइल. तो लीचिंग प्रोसेस के थ्रू हम एन ए सॉइल को, सोडियम सॉइल को लीच अवे कर देते हैं, मीन सॉइल से अलग कर देते हैं. एंड एप्लीकेशन ऑफ द PO4 फर्टिलाइजर इज बेसिकली यूज टू रिमूव द NA फ्रॉम द सॉइल. तो ये एक मैथड है जिसके थ्रू हम सॉल्ट को लीच के थ्रू, लीचिंग प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है सॉइल से और सॉइल की फर्टिलिटी को रिक्लेम किया जाता है, मीन सॉइल को रिकवरी की जाती है, वेस्ट लैंड को दोबारा से रिकवर किया जाता है. अनदर प्रोसेस रिक्लेमेशन ऑफ वाटर लॉग लैंड. अब ऐसा कोई पर्टिकुलर लैंड है या सॉइल है जो वाटर लॉग्ड हो चुकी, मीन उसमें सबसे ज़्यादा पानी लॉग्ड हो चुका है, तो ऐसा एरिया जहाँ सॉइल में मैक्सिमम वाटर है, तो मैन दैट एरिया इज बेसिकली वाटर लॉक्ड एरिया जहाँ पर कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो सकता ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर. एंड इन दैट कंडीशन हाउ वी कैन रिक्लेम सच लैंड, वी कैन इम्प्रूव और रिक्लेम और रिकवर दैट लैंड बाय प्रोवाइडिंग एफिशिएंट सरफेस ड्रेनेज एंड सब सरफेस ड्रेनेज मैथड. तो ड्रेनेज मीन्स पर्टिकुलर, एक अगर हमारे पास पानी को निकालने का एक पर्टिकुलर ड्रेनेज मेथड होगा तो हम वाटर लॉक को इम्प्रूव कर सकते हैं, पानी आराम से एक जगह से दूसरी जगह निकल सकता है, पर्टिकुलर जगह में वाटर कंट्रोल लॉक्ड नहीं होगा, और जिससे कि सॉइल की मॉइस्चरिटी भी मेंटेन रहेगी एज वेल एज ज़्यादा वाटर लॉक्ड भी नहीं होगा और हम ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं. तो इस तरह से मेथड यूज़ कर सकते हैं, ड्रेनेज प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं. ड्रेनेज मीन्स पर्टिकुलर कोई नाली या कोई पर्टिकुलर ड्रेनेज सिस्टम यूज़ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर वाटर लॉक कंडीशन क्रिएट होती है. रिक्लेमेशन ऑफ द सॉइल डैमेज बाय द सी वाटर, एरिया नियर द सब सी कोस्ट सफर ओकेजनली बाय फ्लडिंग अ सी वाटर. तो मेजली जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ फ्लडिंग का कंडीशन होता है और वहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी रिक्लेम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इन दैट कंडीशन रिक्लेमिंग बाय पंपिंग आउट द एक्सेसिव सॉल्ट एंड वाटर एंड हम कर सकते हैं, क्योंकि सी एरिया में सबसे ज़्यादा सॉल्टी वाटर होता है, तो सॉल्ट को निकालना हम रिक्लेम कर सकते हैं ऐसे सॉइल को बाय रिमूविंग द सॉल्ट फ्रॉम द वाटर. नीदरलैंड में ऐसा टेक्निक यूज होती है. एंड रिक्लेमेशन ऑफ द माइन वेस्ट लैंड एरिया, कोई ऐसा एरिया जहाँ माइनिंग यूज होती है एंड ड्यू टू द माइनिंग प्रोसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और टॉप लेयर ऑफ द सॉइल रिमूव्ड, एंड इन दैट कंडीशन फॉर द रिकवरी ऑफ द वेस्ट लैंड वी कैन यूज द मिक्सचर ऑफ ग्रासेस रेदर देन द वुडी पर्नियल प्रिफर्ड, मीन्स वी कैन यूज द मिक्सचर ऑफ ग्रासेस यूज़ कर सकते हैं हम, जिससे कि अलग अलग तरह की हम क्रॉप यूज़ करेंगे, ग्रासेस यूज़ करेंगे, तो वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है. नाउ रिक्लेमेशन वर्क इन इंडिया, व्हाट द रिकवरी ऑफ द वेस्ट लैंड मैथड हैज़ बीन यूज टिल नाउ इन इंडिया. इन इंडिया रिक्लेमेशन ऑफ द लाइम स्टोन रॉक फॉस्फेट माइंस इन देहरादून एंड मसूरी हैज़ बीन सक्सेसफुली अकम्पलिश विद द हेल्प ऑफ पीनस लेडर्स एंड एक्सेस. तो बेसिकली जो लाइम स्टोन और रॉक फॉस्फेट होता है माइंस के थ्रू ये सब निकलते हैं, और इनको रिकवरी करना सॉइल में, इन लाइम स्टोन और रॉक को निकालना वापस, ये देहरादून में और एक सक्सेसफुली किया गया है ड्यू टू द पाइनस लेडर्स एंड इस पर्टिकुलर प्लांट की स्पीसीज को लगा के लाइम स्टोन और रॉक फॉस्फेट को हटाया गया है सॉइल से और रिक्लेमिंग किया गया है. रिक्लेम मीन्स रिकवरी की गई सॉइल की. तो ये एक मसूरियन देहरादून में इस तरह की रिक्लेमेशन वर्क किया गया है ऑलरेडी इन इंडिया. कंक्लूजन वी कैन से दैट रीजनरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इज पॉसिबल विद द पॉलिटिकल विल और एज ए इंडिविजुअल विल एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एंड एनफोर्समेंट ऑफ द स्ट्रिक्ट लॉ इज नेसेसरी फॉर द वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन प्रोसेस. थैंक यू माई डियर स्टूडेंट.